हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आप सबको पता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई है। तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड के एग्ज़ाम का जो ये सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे था, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका था, तो आप सबको पता है कि आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड क्या कर दिया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। ये ऑलरेडी हम वहाँ पे नोटिस देखते हैं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ, उसके बाद हम आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ए टू जेड प्रोवाइड करता है अपडेट के साथ। तो मिलता है, तो देखते हैं यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो क्या है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम कैंसिल, क्या सारे बच्चों की मेहनत होगी बेकार, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अब ये सोच रहे हैं कि कहीं उनका एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आया है, उसके बाद हम ये डिटेल्स आपको मैं बताती हूँ। तो पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल साइट पे जाना है। आपको अपनी ऑफिशियल साइट सबको पता है। अब ये इस तरीके से ये पेज आपका फर्स्ट पेज ही आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये वाली लाइन, यहाँ पर ये लाइन दिखी आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर द, काफ़ी स्मॉल लाइटिंग में लिखा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ पे दिखा भी आपको, पोस्टपोनमेंट ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, मतलब आपका जो सिक्योरिटी गार्ड का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन किया है, जो फिजिकल टेस्ट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट को यहाँ पे ये लगता है कि एग्ज़ाम कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया, तो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप यहाँ पे क्लिक हियर करोगे तो इस तरीके से ये पीडीएफ फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा तो यहाँ पे ओपन होगा, थोड़ा सा एक सेकेंड टाइम लगेगा। ओके, थोड़ा यहाँ पे टाइम, तो आप देख सकते हो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पे हो गया है। तो दिखा आपको ये इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पे आपको ये डेट दिख रहा है यहाँ पे, जो आपका एग्ज़ाम 17 से लेके 18 अप्रैल तक होने वाला था, अभी ये पोस्टपोन्ड हो गया है। पोस्टपोन्ड मतलब अभी नहीं होगा, बाद में होगा। बट इसका रीज़न क्यों है पोस्टपोन होने का, वो है कोरोना वायरस, ठीक है। जो यहाँ पे कोरोना वायरस स्टार्ट है, आप सबको पता है ये वायरस काफ़ी मतलब अपने कंट्रीज़ में काफ़ी ये स्प्रेड आउट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। इस वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, और सिर्फ आपका ही नहीं, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसको पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, पोस्टपोन करने के बाद अभी तक आपको डेट नहीं प्रोवाइड किया गया है कि कब तक वापस होने के चांसेस हैं, बस ये है कि आपका पोस्टपोन हुआ है, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, आपका ये एग्ज़ाम होगा, बस अभी के लिए क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। अब पोस्टपोन कब किया है, क्या डेट पर किया, अभी ये डेट भी डिक्लेयर यहाँ पर नहीं हुआ है, बस कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर क्या किया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।